back to my YouTube channel which is Nishu and Miki Vlogs. So आज है तीज, so happy तीज to everybody. वो बनाओ नींबू चीनी का पानी. नींबू नहीं नहीं मैं तेल लगा लूँगी. नहीं विक्स लगा लेना चाहिए. हाँ विक्स लगा लूँगी. अरे आप नींबू का पानी लगाते हो आज भी? वो चिपकी रहती है ना काफी टाइम से. वो चीनी नींबू चीनी. अब तो खैर मेहंदी ऐसी आ रही है क्या, निकल वाली है. गए थे तुम सरोजनी मार्केट? क्यों गए? कितनी घटिया मार्केट है. वहाँ पे बहुत पसीने आते हैं. लोग बनाते हैं हाय गाइस हम आए सरोजनी मार्केट. ना घटिया नहीं है वो, तुम ढंग से घूमे नहीं होंगे. पूरे में घूमे, मॉल में भी गए थे उसमें भी. वहाँ ना भीड़ बहुत रहती है ना. फ्लैट तोड़ दिए ना सारे, हम वहीं रहते थे. अच्छा अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है उस मार्केट में? वहाँ क्या है, जरूरत सामान तो सस्ता नहीं है. नहीं है सस्ता? अब महंगा हो गया क्या? नहीं नहीं, तुम तो एक बार गए होंगे ना. नहीं कई बार. वहाँ बहुत बड़ी है, वो राउंड चक्कर मारना पड़ता है तभी. घर था हमारा जो वो हमें भैया ने बताया कि हफ्ते का एक दिन होता है जो मंडे मार्केट सुबह सुबह. हाँ हाँ वैसे तो सेम वहाँ तो ऐसे 50-50 के 10-20-20 के कपड़े. वो तो बाजारों में भी मिलते हैं आजकल तो, वैसे सब जगह मिल रहे हैं. अच्छा लेकिन पर वैसे सामान वैसे हैंड पर्स लो, वैसे कोई ड्रेस कपड़े नॉर्मली कुर्तीज वगैरह. इंदिरा मार्केट कहाँ है यहाँ पे नोएडा में? गांधी इंदिरा नहीं, अट्टा मार्केट है इधर तो. अट्टा मार्केट नहीं है, इंदिरा मार्केट भी बताते हैं. पता नहीं मैम मार्केट गए सीपी गांधीनगर. गांधीनगर मेरे घर के पास पड़ता है. कहाँ पे है तुम? शादरा दुर्गापुरी चौक. मैं तो शादरा से आती हूँ. अच्छा शादरा में रहते हो? तो हाँ, बहुत दूर है. हाँ शादरा से आती हूँ. अच्छा एक यहाँ कोई लेडी आई, एक बार मैंने ये वाला डिजाइन लगाया था जो आपने इसमें लगाया ना, ये जिगजैग. हाँ ये वाला लगाया. अच्छा अच्छा लग रहा. अब इधर नहीं फिल कर देती, दूसरा दे दीजिए. अच्छा शूट भैया कर देंगे. नहीं इधर की साइड, बैक साइड, बैक साइड में लगा देंगे ना, सूख जाएगा. अच्छा अच्छा फिर टच हो जाएगा ना आपका, खराब होएगा फिर. वहाँ पे क्या है, मैं एक आध बार में नहीं पता लगती. सामान तो हम लेकर आए थे उस दिन बहुत सारा, अच्छा भी है जेंट्स का लेडीज का. हम तो वहाँ रहते थे ना, हमें पूरी मार्केट में कहाँ क्या मिलता है सब पता होगा. हाँ तो अब हम जैसे शादरा रहते हैं वहाँ मुझे 2-3 मार्केटों के बारे में पता है. बढ़िया मार्केट है. मार्केट है वहाँ भी? तेलीवाड़ा छोटा बाजार. हाँ छोटा बाजार तेलीवाड़ा में था, छोटा बाजार. सबसे अच्छी जाफराबाद वाली मार्केट है, जाफराबाद. तभी आपको फिर सरोजनी अच्छी नहीं लगी होगी ना, आप ऑलरेडी अच्छे है उधर, मार्केट अच्छी है ना. फिर मैं तो स्पेशल आती थी सरोजनी नगर क्योंकि इतनी फेमस है ना. हम लोग देखते थे यूट्यूबर को. हाँ 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 वो तो है. वो तो है ही. सड़ी से सड़ी जगह. सो मैंने ले लिया है पानी और अब मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी. गर्मी बहुत हो रही है गाइस बाहर, सो इसमें डालिए थोड़ी सी चीनी. ठीक है अभी मैं इसको घोलूंगी. अच्छे से घोलना है इसे. मेरे को चाहिए ये काला नमक थोड़ा सा, कॉल भी आ गया है तो. हेलो हाँ जी भैया भेज दो.
सो बेसिकली मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, तो अभी मैं बनाऊंगी इसमें जलजीरे वाला, जलजीरे का पैकेट है, आइस निकाली है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं यूज़ करूँगी ये निम्बू निचोड़नी, मैंने होम सेंटर से बाय करी थी। मैं डालूंगी 2 चम्मच काला नमक, इसको बता दूंगी अब बेसिकली ये वाले बॉक्सेस भी मैंने हम सेंटर से परचेज करे थे। तो अच्छे से इसका रस निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैंने पहले सिंपल पानी ले लिया था, ठंडा पानी नहीं लिया, फिर चीनी नहीं घुल दिया ना इसलिए। अच्छे से इसका नींबू का रस, हेलो उम्मीद नमस्ते, और क्या हाल चाल? हेलो पापा नमस्ते, और लॉन्ग टाइम हो, बड़े टाइम बाद आई, नाइस। ये है मेरी सिस्टर कोमल। ठीक है, तो अब मैं गेट बंद कर देती हूँ, रहने दो पापा ही, पाए रखो पाए रखो पाए रखो। सो बहुत टाइम बाद आए हैं, बैठ आयो। मैं नींबू पानी ट्राई कर रही, सिंपल पानी है ना। सो भाई इसमें मैंने ना जीरा भून लिया है, अभी वो बातें बातें कर रहे हैं तो इतनी देर में मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। ये जीरा भून के इसमें डालूंगी, मैं ऊपर से टॉप अप कर दूंगी बूंदी से इसको। फिर मैंने इसमें ना पूरी आया अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें जीरे भी डालेंगे इसको लगा सकते हैं अच्छे से इसको। ये पापा का स्पेशल नींबू पानी है, इसको मैंने खाया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है। लाइट का टोन है ना, कैन यू टेस्ट? ब्लॉगिंग कौन कर रहा भाई? यार ये तो बड़े टेस्टी है, दीज आर मालपुआस। टेस्ट करके देखिए प्लीज, टेस्ट करके देखिए। कोई बड़ी बड़ी ठीक है, देख पहले खंड तो नहीं, वो तो नहीं खाते। टेस्ट करके देख, टेस्ट ठीक है, चल ठीक है। बर्फ वर्फ आया, बर्फ का सूखा कम है आजकल। ये हमारी फ्रिज ऐसी बर्फ ऑलरेडी रहती है। भूख तो नहीं लगी ज्यादा, फड़ी मैं पावा सारे जो, और ना हम सर्व करते हैं। ठंडा ही था ना, पता नहीं जीरा तो अच्छे से निकल रहे हैं आई थिंक। यार उन्होंने टेस्ट आंदा ना बहुत बढ़िया, नहीं इसमें से थोड़ा थोड़ा तो निकल रहा है, सारे एक जगह आ गया, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया। ले मैं थोड़ा,
थोड़ा थोड़ा नींबू पानी, हाँ ये भी खा लेंगे ना ऊपर से, ये भी नहीं खा रहे। सो ये ऑलमोस्ट डन है, ये भी खा दे ऊपर ऊपर। थोड़ा थोड़ा खाओ बस, ये जीरा नहीं क्या थोड़ा सा, ठीक है। सो ये बहुत ही टेस्टी नींबू पानी बन गया है, रेडी टू सर्व। आप भी प्लीज ट्राई करना इसको घर पे। चलो तू ले के जाएगी? हाँ हाँ खा ले खा ले। नहीं मैं बनाऊंगी, मैं बड़ी को बनाऊंगी। ले तू आ जाना, चल चल। इतना ही बनानी है? नहीं है ऐसे ही, ऐसे वाले मोड में। पानी बना दी। सही है, बढ़िया बढ़िया। और ना ना बोल, बस पानी मिल गया। ट्राई यू आल्सो ट्राई नो, मेरे इनसे कितना अच्छी लग रही है। मीठा घट है, घट ही पीना चाहिए मीठा, मीठा घट ही पीना चाहिए। एक प्रतीक नु देवा लो मम्मी तुम भी। होर किदा रहा सफर फिर? सो हाय गाइस, तो अभी इवनिंग शाम हो गई है, तो हम जा रहे थे घूमने नोएडा हार्ट, जो कि सेक्टर, कौन से सेक्टर में है तो मैंने कैब बुक करी है। सो मैं मम्मी मम्मी और कोमल जाएंगे। सो हमने ऑलमोस्ट कैब बुक कर ली है, 2 मिनट में आ रही है कैब, तो हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। मैंने पहना है ना सिर सिर कटाउंदे आ ते ओ चीज ध्यान रखने पनी आ, तो सेल्फी स्टिक चाहिए ओदे लिए। ये देखो ब्यूटीफुल कलर, रंग बिरंगा तीज वाला असली कलर है। दिस इज हरियाली कलर एंड दिस इज येलो कलर। देखो वी हैव ऑल द हम आ गए हैं नीचे, हमारा रिसेप्शन एरिया। एक दिन आपको पूरी सोसाइटी का भी टूर कराऊंगी, यहाँ पे कुछ कुछ होता रहता है। यहीं बैठ जाओ अगर टाइम लगा रही है तो। कितना टाइम लगा रहा है? मम्मी मेरी ओवर एक्साइटेड रहती है हर टाइम। सो अभी हम दिखाते हैं आपको तीज के मेले पे पहुंच के। वो तो सही बात बोल रही है ना, क्या कितना आ गई हो ना। ये पापा ने जड़ा जा पाया, पापा ने लब्बे नहीं दिया है। पता नहीं चलना कदम बोलने लग जाते हैं।
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਕਿਤਾ ਸੀ तो हम पहुंच गए हैं नोएडा हाट। ये है नोएडा हाट। रात में ऐसा व्यू है थोड़ा। चलो चलते हैं। सो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे पीछे गार्डन में मोर की कटिंग्स लगा रखी हैं और सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ये बना रखी है ऐसे। और तीज मेला है यहाँ पे 15 से 20 तक, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे आए हैं। ये एवरी थर्सडे 6:30 PM यहाँ पे तंबोला होता है। उधर ही है रास्ता, चलता गए थे उधर ही। आहो ए, इसको बोलते हैं शिल्प हाट एवं बुनकर भवन। सो देखते हैं अंदर जाके क्या है। यहाँ पे बेसिकली हैंडक्राफ्ट मार्केट लगती है, बहुत सुंदर मार्केट लगती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी सारी मार्केट। तो हम यहाँ पे पहली बार ही आ रहे हैं तो देखते हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वो नहीं है, फेमस नहीं है, तो धीरे धीरे अभी इसके बारे में सबको पता चलेगा। तो मेरे ब्लॉग से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोग देखिए पूरा एंड तक। यहाँ पे कैंडल्स की शॉप है और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और भी। क्या कैंडल्स? अच्छा अच्छा। पैराबेन और SLS फ्री बेस यूज करते विद एसेंशियल ऑयल। इसमें फ्रोथ बनता है? हाँ जी, फ्रोथ बनेगा। फ्रोथ बनेगा बट क्या होता है, आप यूजुअली जो नॉर्मल होते हैं ना सोप्स, वहाँ पर इतना थोड़ा सा वैसा रहता है रेसिड्यू, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है ना। ग्लिसरीन बेस और वो रहता है। हाँ एक लेवेंडर है इसमें, एक वनीला है। ये कलर तो ही पता लगेगा था ना, ये लेवेंडर अच्छी लग रही है स्मेल तो। बाकी आप ये एक ना ऑरेंज सोप, ये आप ही जल्दी रहती है 12 घंटे तक करते आप पे बोझिन दिया। नहीं बंद भी कर दो। हाँ बंद भी हो जाती है अपने आप थोड़ा टाइम के लिए फ्रेग्रेंस करके, फिर सही हो जाएगा। बाकी वो ना सिंथेटिक होता है, इसमें एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं हम, तो वो बड़ा नेचुरल वो है, प्लांट बेस्ड है। क्या इसमें कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं है? और सब में जितने भी सोप्स है ना, टी ट्री सही लग रहा है देख ले। इसमें आप देखोगे तो बेस्ट ही है, अगर ट्राई करना चाहते हैं। ये मेरे को शिया बटर है, दैट इज मॉइस्चराइजिंग। हाँ मॉइस्चराइजिंग रहता है शिया बटर में। ये वाली कौन सी है? ऑरेंज है ये तो, मेरे को सेम ही लग रही है। हाँ हाँ सेम है, लेवेंडर वनीला दो फ्रेगनेंसेज हैं इनमें छोटे वाले। ये खोलियो फड़ियो मैं। अच्छा हाँ चल दे रहा हूँ, खरीद खरीद के होती है। एक सोप कोई ट्राई करो आप, जो आपको कोई नहीं पता है। सेंसिटिव स्किन है तो पता नहीं कुछ, तो एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। ये वैसे सारे सेंसिटिव के लिए हैं,
इसमें कोई भी वो नहीं है सिंथेटिक कलर, ये हर्ब्स है ना सारे सारे। हाँ जी, ड्राई के लिए आंटी यही है, ये बता रहा हूँ शिया बटर, ये मॉइस्चराइजिंग के लिए है, दो है इसमें वेरिएंट, ये एक लैवेंडर फ्रेगनेंस के साथ, एक सैंडल के साथ। क्या वैसे ड्राई नहीं करता ये वाला शैम्पू, मैं तो यार कान कून नाले लेने गई थोड़े एक सोपी वाला कर दूँगा। टोटल कितना हो गया? टू हंड्रेड। तू सोप तो नहीं लिया? ठीक है ठीक है। हम तो एक कैंडल कैंडल ले कौन सी लेनी? ये वाली, ये दूसरा वाला दे दो। पेयर ले लिया? नहीं, ये वाला ले लो के बाहर वैक्स गिरा ना थोड़ा सा, कलर देखना ऑरेंज कलर देखना। नहीं, ये लेवेंडर कलर ठीक है, लेवेंडर ही तो, दोनों लेवेंडर ले लो। हां, ये वाला डाल दो। आप तो कहीं देख रहे हैं, आप कहां रहते हैं? हम पड़ पड़े ठीक है ठीक है। 250 देख ली है यार, मैं नहीं फिर इस। सो हमारी एक फर्स्ट शॉप से ही शॉपिंग हो गई है कैंडल्स की। सो यहाँ पे कुर्तीज वगैरह भी लगी हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारी हैंडक्राफ्ट मार्केट है। ये ना मतलब ज्यादा वो नहीं है कि बहुत भीड़ है और है ना, इस अच्छा लग रहा है ना। हाँ, लोगों को ना आई थिंक पता है नहीं ज्यादा अभी ना। ये साड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी सुंदर, देख लो मम्मी कुछ यहाँ पे, मेरे को ज्वेलरी का मेरा सामान का आ गया, मेरे मतलब का। तो पसीने तो आ रहे हैं, वैसे गर्मी हो रही है तो इसलिए शायद कम लोग भी हैं, बट हाँ तो त्योहार है तो आई थिंक त्योहार में तो चलता है थोड़ा घूमना फिरना। सो यहाँ पे साड़ीज हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज देखो साड़ीज। हाँ, दिस इज सिल्क आई गेस ना, सिल्क साड़ी है, कॉटन है मैडम। हाँ, बाकी सब सिल्क के अंदर है ना। देख ली है, अच्छी लग रही है ना। रेट्स क्या है इनके? इनके रेट्स क्या है? मैम ये जामदानी साड़ी है जो आपके हाथ वाले, ये 2000 रुपए करके आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा अच्छा। और इधर वाले ये कॉटन वाले 1000 रुपए करके, 1200-1500 अलग अलग है। ये भी बहुत अच्छा है मैडम, ये बहुत सुंदर। ये देखो बंगाली साड़ी जैसे ना, बंगाली वाली होती है ऐसे ना, वो ऐसे वाला कर देने ले। हाँ हाँ हाँ, वही है दीदी, पक्का साड़ी पहनती होगी। क्या ये वही जामदानी साड़ी है मैडम, 2000 करके। ये कहाँ की है? ये हमारा कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल है। वही ना, ये मेरे को स्टफ में वैसा लग रहा है, ओ उस टाइप का जाम, ओ जो कोलकाता जामदानी हल्की हल्की सी। ये क्या हो रहा है? ये बहुत टाइम लगता है जाने में। ये ज्वेलरी है यहाँ पे, मुझे वैसे वो देखना था कड़े वगैरह। हमने ये वाले दो बैंगल्स सिलवाए मम्मी ने, ये और ये वाले, हम दोनों ने एक लाइक सुंदर से मम्मी ने दिलवाए। चलो अभी आगे चल, यहाँ पे बहुत सारी हैंडक्राफ्ट मार्केट है। हाँ वही ना, कहीं जाओ ना मार्केट में बहुत भीड़ होती है वहाँ पे ना। कोमल इसमें डाल दे पैकेट्स, इसमें डाल दो, ये बड़ा बैग लेके आई ना, इसमें सब डाल दो, इसमें ये डल जाएगा। और सब पहना है, खूह वाला है ये भी।
पा दे ये भी पा दे नहीं नहीं हम नहीं पा रहा होंगे पानी भी है किसी चाहिए पीने लिए तो ठीक है इधर रहने मेरी भी आएगी हाँ ये तो वो है हौस रानी च भी इदा क्रॉक्स जिदा मैं वो हैंड वॉश वाले अच्छा ये डिफ्यूजर है अच्छा वो नहीं पता मैं नहीं पता क्या होगा ये कमल इसका क्या काम है भैया कैंडल्स वाला कौन से कैंडल वाले हैं ये है। लेकर के ब्लू तक एक डिफ्यूजर्स भी होते हैं ना ये सब डिफ्यूजर हैं यही है जो एक होते हैं वो इलेक्ट्रिक वाले ही हैं सब इसमें जब ही तो आपका हाथ जल रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब पे कितने के है ये कैंडल होल्डर कैंडल वाला 80 रुपए का है ये 120 रुपए का ਸੋਮਲ ਵੱਡੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਆ ਸਰ ਹਲੋ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡਲ ਕਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਣ ਡਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੋਣੀ ਆ ਪਰ ਕਾਂਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲੋ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਚ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਇਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈਂਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ये देखो जबरदस्त इंतजाम पता है गर्मी है और चिल्ड पानी पूरा मेरा पूरा मुंह से पानी लबे करता ही यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर मार्केट है यहाँ पे चादरें मिल रही हैं कौन यूज करता है लोग वाली कुड़ी to the last 10 I ran away with my life as